नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो भाजपा संगवारी। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने की अनेक नवाचारों की बात। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से क्रिएट इन इंडिया योजना से जुड़ने की अपील। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुने गए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के निर्विरोध अध्यक्ष। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की 114वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका प्रवास एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित होकर रोजाना एक पेड़ लगाने का संकल्प लेने वाले तेलंगाना के श्री के एन राजशेखर, संथाली भाषा को सहेजने के लिए श्री रामजीत टूडू के प्रयासों और औषधि पौधों को संरक्षित करने के प्रयास में जुटी मदुरै की रहने वाली शिक्षिका सुभाष्री के योगदान का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि आधुनिक समय में हर रोज बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने गेमिंग एनिमेशन, फिल्म मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, बैंड्स और कम्युनिटी रेडियो से जुड़े युवाओं को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल पर शुरू की गई क्रिएट इन इंडिया योजना से जुड़ने की अपील की। क्रिएट इन इंडिया योजना में 25 विविध चुनौतियां शामिल की गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ग्रामीण अंचलों में लोग अपनी कला संस्कृति, परंपराओं और अमूल्य विरासत को सहेजने में अपनी हैसियत के अनुसार योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्व के साथ मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से इस योगदान की चर्चा देश दुनिया के सामने करते हैं। उनके इस कार्यक्रम के जरिए हम देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले ऐसे सभी प्रयासों और नवाचारों के बारे में जान पाते हैं और उनसे लगातार प्रेरित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक खेलें और मेडल जीत कर लाएं। उन्होंने ये भी कहा कि संघ के सभी पदाधिकारियों को एक एक जिले की जिम्मेदारी दी जाए और उस अंचल में जो खेल लोकप्रिय है उन्हें बढ़ावा देने की दिशा में काम हो। रायपुर की सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शदाणी दरबार के संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल महाराज के मुख्य आतिथ्य में नशा मुक्त अभियान का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ को स्वस्थ बनाने और युवाओं को नशे से मुक्त कराने के अभियान में रायपुर की विभिन्न संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। और छत्तीसगढ़ के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव छुरा गरियाबंद के हरदी में आयोजित जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल हुए। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उन्हें अपनी ढेरों शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव की उपस्थिति में वहां आए लोगों को भाजपा की सदस्यता भी दिलाई गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। कल के ताजा अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय भारत। रेडियो भाजपा संगवारी को नियमित रूप से सुनने के लिए YouTube चैनल भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।